हेलो एवरीवन, मैं संदीप शर्मा, लेक्चरर SGV गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर। आज इस वीडियो लेक्चर में 106 अप्लाइड मैकेनिक्स के अंतर्गत प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रोजेक्ट प्रक्षेप गति के बारे में अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि जब कोई पिंड जैसे वायुमंडल में ऊर्ध्वाधर समतल में किसी भी दिशा में जो कि ऊर्ध्वाधर नहीं हो में फेंका जाता है तो वह एक सीधी रेखा में नहीं चलकर एक विशेष पथ में चलता है हुआ पृथ्वी पर लौटता है। इसे प्रक्षेप गति कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ ओ बिंदु से मान लीजिए किसी भी कोण अल्फा से हम कोई वस्तु फेंकते हैं ऊपर की ओर, तो वह एक प्रोजेक्टाइल पथ या एक प्रक्षेप गति के रूप में इस तरह से पथ से होता हुआ धरती पर लौटता है, तो इसे हम प्रोजेक्टाइल गति कहते हैं। तो इसको समझने के लिए हम बेसिकली तीन कंडीशंस मानते हैं कि वायुमंडल का प्रतिरोध इसमें नगण्य होता है, यानी कि वायुमंडल का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। दूसरा, फेंकी हुई वस्तु एक बिंदु द्रव्यमान या कण के रूप में है, मतलब हम फेंकी हुई वस्तु को एक बिंदु या द्रव्यमान या कण के रूप में मानेंगे। तीसरा, संपूर्ण मार्ग पर कण पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान या अचर है, यानी कि जो जब भी कण जिस रास्ते से जाता है उस पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है या जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक समान है यानी कि अचर है। तो ये तीन चीज़ें हम मानेंगे। इसके बाद हम कुछ डेफिनेशन समझते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल क्या होता है। प्रोजेक्टाइल क्या है कि प्रक्षेप्य ऊर्ध्वाधर समतल में किसी भी दिशा में फेंका गया पिंड प्रक्षेप कहलाता है। तो जो जो पिंड होता है जो जिसे हम फेंकते हैं वह हमारा प्रक्षेप्य कहलाता है। तो अब इसके बाद क्या है कि ट्रैजेक्टरी, सेकंड है ट्रैजेक्टरी या प्रक्षेप्य पथ। प्रक्षेप जिस पथ के अनुदेश चलकर पुनः पृथ्वी पर आता है वह प्रक्षेप पथ कहलाता है, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से ये चलता हुआ वापस जिस पथ पर आ रहा है वो हमारा प्रक्षेप पथ या ट्रैजेक्टरी कहलाता है। फिर तीसरी डेफिनेशन है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि प्रक्षेप बिंदु, जिस बिंदु से हम प्रक्षेप वायुमंडल में फेंकते हैं वह प्रक्षेप बिंदु कहलाता है। यानी कि जैसे ओ पॉइंट से कोई हमने वस्तु फेंकी है तो ओ पॉइंट ये हमारा प्रक्षेप बिंदु कहलाता है। जैसे कि कोई पिंड हमने यू वेग से, यू प्रारंभिक वेग है, अल्फा कोण पर हमने फेंका तो ये पहले एक मैक्सिमम रेंज या एच तक जाता है, ऊंचाई तक जाता है, फिर उससे वापस नीचे आना शुरू करता है। तो यहाँ पे ये मैक्सिमम हाइट कहलाती है, ये एच एम एच जो आप देख रहे हैं, तो जितनी दूरी ये क्षैतिज में कवर करता है वो परास कहलाती है। तो वो हम आगे आने वाले उसमें देख लेते हैं। अगला है प्रक्षेप्य वेग, प्रक्षेप वेग तथा कोण। वेलोसिटी या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो इसमें जिस वेग से प्रक्षेप वायुमंडल में फेंका जाता है वह प्रक्षेप वेग कहलाता है, तथा वेग की दिशा क्षैतिज रेखा से जो कोण बनाती है प्रक्षेप कोण कहलाता है। प्रक्षेप को यू तथा प्रक्षेप वेग को यू तथा प्रक्षेप कोण अल्फा है। तो ये हमने अभी देखा था कि जिस वेग से हम प्रक्षेप को वायुमंडल में फेंकते हैं वह प्रक्षेप वेग कहलाता है, और वेग की दिशा क्षैतिज से जो कोण बनाती है वो प्रक्षेप कोण, यानी कि यू वेग से हम फेंके अल्फा कोण बनाते हुए तो वो प्रक्षेप वेग यू है और प्रक्षेप कोण अल्फा है। अब आता है हाईएस्ट हाइट, महत्तम ऊंचाई, प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु के प्रक्षेप बिंदु से जाने वाले क्षैतिज समतल से ऊंचाई को प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई कहते हैं। यानी कि
शिप जो है ये प्रोजेक्टाइल है वो हाईएस्ट पॉइंट तक जो पहुंचता है तो उस बिंदु की क्षैतिज से दूरी जैसे हमने देखा था अभी एम एच वो हमारी क्या कहलाती है महत्तम ऊंचाई या मैक्स हाइट हाईएस्ट हाइट। दूसरा है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट यानी उड्डयन काल किसी पिंड को प्रक्षेप बिंदु से फेंके जाने से पुनः प्रक्षेप बिंदु से होकर जाने वाले क्षैतिज समतल पर लौटने के समय को उड्डयन काल कहते हैं, यानी कि जितने टाइम पे वो लौट कर वापिस आता है फेंकने से लौटने तक तो वो हमारा उड्डयन काल कहलाता है। जैसे कि इतने टाइम यहाँ तक लौटने में यहाँ से यहाँ तक तो ये हमारा उड्डयन काल हो गया। फिर आती है रेंज या परास। परास क्या होती है कि कोई पिंड ऊर्ध्वाधर समतल में किसी प्रक्षेप बिंदु माना O से फेंके जाने पर प्रक्षेप बिंदु से होकर जाने वाले क्षैतिज समतल से जिस बिंदु माना O पर पुनः टकराता है वही दूरी OA क्षैतिज परास या सिंपल परास कहलाती है। यानी कि जैसे कि यहाँ से हमने O पॉइंट से हम फेंका और वापस A पर आ गया तो ये जो दूरी है ये R ये हमारी परास कहलाती है। यानी कि क्षैतिज दिशा में जितनी हमारी दूरी तय करता है वापस लौटने तक वो हमारी परास कहलाती है। तो ये आपने कुछ परिभाषाएँ हमने देखी जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन में काम आती हैं। अब हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ ऑफ ए मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल यानी कि प्रक्षेप की गति के समीकरण। अब गति के समीकरण हम ऐसे मान सकते हैं, माना एम द्रव्यमान का एक कण बिंदु O से क्षैतिज रेखा O एक से अल्फा कोण बनाते हुए U एक से ऊर्ध्वाधर तल में फेंका जाता है। तो O को मूल बिंदु क्षैतिज रेखा O X को X एक्सिस मान लें और जो वर्टिकल लाइन O Y को हम Y एक्स मान सकते हैं। तो प्रक्षेप का क्षैतिज घटक स्टार्टिंग में U cos अल्फा हो जाएगा और ऊर्ध्वाधर घटक U sin अल्फा हो जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग में तो प्रारंभिक वेग के घटक हैं वो यही होंगे क्योंकि वो अल्फा कोण बनाते हुए फेंका जा रहा है। अब जैसे कि हमने चित्र में देखा है, मान लीजिए कोई कण U वेग से अल्फा कोण बनाते हुए फेंके तो ये ओ वाई और ये ओ एक्स, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, इसके घटक स्टार्टिंग में U cos अल्फा और U sin अल्फा। मान लीजिए कोई पॉइंट P है, इसके मान लो हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट या निर्देशांक मान लेते हैं। यहाँ कोई मान लीजिए वी वेग है इस पॉइंट पर जो कि थीटा कोण बना रहा है क्षैतिज से, तो क्षैतिज घटक वी कॉस थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक वी साइन थीटा हो जाएगा। एच मैक्सिमम हाइट है, फिर इससे वापस ए तक वापस आ जाता है। तो अब हम देखते हैं कि माना किसी समय टी के बाद कण की स्थिति पी पर है और ओ के सापेक्ष इसके निर्देशांक एक्स वाई हैं, तो गति के दौरान कर्व पर बल या भार mg लगेगा, नीचे की तरफ mg लगेगा कार्य करता है तथा कण पर क्षैतिज दिशा में कोई बल कार्य नहीं करता। ये इसमें समझने वाली बात है कि जब हम फेंकते हैं किसी कण को तो सिर्फ ऊर्ध्वाधर घटक में जो बल होता है वही काम करता है, क्षैतिज पर वेग कांस्टेंट रहता है। तो जब वेग कांस्टेंट है तो क्षैतिज में त्वरण शून्य होता है। अब जैसे हम बिंदु P पर वेग निकालना चाहें तो पहले हम देखेंगे ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या वेग होगा बिंदु P पर। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग मान लीजिए प्रारंभिक U sin अल्फा है और त्वरण अब ऊपर चढ़ते हुए OH तक माइनस G है, यानी कि जब पिंड ऊपर जा रहा है तब माइनस जी त्वरण नीचे की ओर कार्य करता है क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव डायरेक्शन में त्वरण काम करता है यानी कि ऋणात्मक होता है, और जब एस से नीचे गिरता है तब त्वरण पॉजिटिव होता है। तो ये हमने देखा नीचे आते समय एच ए तक जी होता है। अब हम गति का समीकरण लगा देते हैं वी बराबर यू प्लस एफ टी। तो ऊर्ध्वाधर में माना बिंदु पी पर वेग v है तो v बराबर u sin अल्फा माइनस जी टी, माइनस इसलिए ले लिया क्योंकि हमारा त्वरण नेगेटिव है तो हमें ये ऊर्ध्वाधर वेग प्राप्त हो गया v इक्वल टू u sin अल्फा माइनस जी टी। इसी प्रकार से क्षैतिज में जो वेग होगा
वो होगा, इसमें आप प्रारंभिक वेग u cos अल्फा है और त्वरण शून्य है क्योंकि वेग मान पर्वत नहीं होता, और अंतिम वेग वी एच बराबर भी यू कॉस अल्फा हो जाएगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल में भी यहाँ पर वेग यू कॉस अल्फा के बराबर होगा। तो हमने क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पॉइंट पी पर हमने वेग निकाले। अब हम आगे देखेंगे द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट ए गिवन टाइम, यानी कि यदि हमें कोई दिया गया समय हो तो हम वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट ए गिवन टाइम, तो माना टी समय के बाद बिंदु पी पर प्रक्षेप का वेग वी है तथा दिशा थीटा कोण है, तो पी बिंदु पर वेग वी बराबर वी का क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, वी कॉस थीटा। अब मान लीजिए हमें कोई दिया गया समय है पी बिंदु पर, तो हमें यहाँ पर वेग का मान निकालना है, तो हमारा क्षैतिज घटक वी कॉस थीटा ऊर्ध्वाधर वी साइन थीटा हो जाएगा, और ओवरऑल वी वी है ही, इसके स्पर्श रेखा के अनुदिश ये वेग काम करता है। तो अब मान लीजिए इस पॉइंट पर क्या वेग होगा, तो हम जानते हैं कि क्षैतिज वेग अगर अपन निकालें तो क्षैतिज घटक वी कॉस थीटा बराबर यू कॉस अल्फा ही रहेगा क्योंकि कॉन्स्टेंट रहता है ये, और ओ से पी तक ऊर्ध्वाधर गति के लिए, अब हम ऊर्ध्वाधर गति के लिए निकालें तो वी बराबर यू प्लस एफ टी, यू इक्वल टू यू साइन अल्फा प्रारंभिक वेग, वी बराबर वी साइन थीटा, एफ माइनस जी, और टी इक्वल टू टी, एफ माइनस में है क्यों, क्योंकि ऊपर जा रहा है पिंड, तो वी साइन थीटा इक्वल टू यू साइन अल्फा माइनस जी टी, अर्थात ये हमारा समीकरण ऊर्ध्वाधर घटक का आ गया वी का। अब हमें इन तीन और चार से इस वी का मान निकालना है, तो समीकरण तीन और चार का वर्ग कर हम जोड़ देते हैं, वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस यू साइन अल्फा माइनस जी टी का होल स्क्वायर, दोनों का हमने स्क्वायर करके जोड़ दिया, फिर हमने इसे खोल दिया, तो ये वी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस टू यू जी टी साइन अल्फा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, यानी कि ये एक्सपेंड कर दिया है, ये फिर से एक हो जाएंगे, तो यू स्क्वायर माइनस टू यू जी टी साइन अल्फा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, या वी इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस टू यू जी टी साइन अल्फा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, तो ये समीकरण पाँच आ गया। तो हमारे पास किसी भी दिए गए समय में वी का मान आ गया उस पॉइंट पर, ये परिमाण हो गया। अब हम इसकी दिशा देख लेते हैं, तो हम क्या करेंगे कि समीकरण चार में इस समीकरण में तीन का भाग दे देंगे, तो हमारे पास टेन थीटा आ जाएगा, टेन थीटा बराबर यू साइन अल्फा माइनस जी टी बटे यू कॉस अल्फा, या थीटा बराबर टेन इनवर्स यू साइन अल्फा माइनस जी टी बटे यू कॉस अल्फा। तो हमने किसी भी दिए गए बिंदु पर टी समय में वेग का मान तथा दिशा निकाल ली। अब एक और केस है इसी में कि यदि वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट ए गिवन हाइट, यदि प्रक्षेप किसी भी ऊंचाई पर क्या होगा वेग तथा दिशा, तो मान लीजिए एच ऊंचाई है उस बिंदु पी पर छोटी एच, तो प्रक्षेप का वेग वी तथा वो थीटा है दिशा, तो सूत्र वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस टू एफ एस से वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि इनिशियल वेग वही है, माइनस टू जी एच, ये तो हमने ऊर्ध्वाधर वेग के लिए निकाल लिया घटक के लिए, और क्षैतिज घटक वी कॉस थीटा इक्वल टू यू कॉस अल्फा है ही, तो अब हमने ये दो समीकरण हमारे पास प्राप्त हो गए। अब हम समीकरण सात का वर्क कर समीकरण छः में जोड़ दें, इसका वर्क करके हम इसमें जोड़ देते हैं, तो वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस टू जी एच प्लस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ये जोड़ दिए गए वर्क करके, तो ये और ये एक हो जाएगा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, या वी बराबर अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, तो ये वी का मान हमें प्राप्त हो गया। अब समीकरण छः के वर्गमूल को समीकरण सात
से भाग करने पर, यानी कि इसका हम वर्गमूल ले लें फिर हम इसका भाग दे दें तो हमारे पास टेन थीटा निकल आएगा। तो टेन थीटा बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस टू जी एच बटे यू कॉस अल्फ़ा, ई का ये ऊपर का अंडर रूट बटे यू कॉस अल्फ़ा, और थीटा बराबर टेन इनवर्स यू स्क्वायर साइन अल्फ़ा माइनस टू जी एच का अंडर रूट और यू बटे यू कॉस अल्फ़ा। तो हम इस प्रकार किसी भी दिए हुए ऊंचाई पर वेग का मान तथा उसकी दिशा निकाल सकते हैं। तो आपने इस लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट प्रोजेक्टाइल मोशन के देखे। धन्यवाद।